गुड मॉर्निंग, आइए देखते हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ ज्योमेट्री से रिलेटेड सम्स। यहाँ पे एक सर्किल दिया हुआ है और सर्किल के कॉर्ड को एक्सटेंड किया गया है और फिर यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो इसका लेंथ निकालना है पी ए का, उसको एक्स मान लिया गया है। इस टाइप का क्वेश्चन है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें टेंजेंट हो और कॉर्ड को एक्सटेंड किया है, कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं, तो इस टाइप के सम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो कुछ बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। जैसे एक्सटेंडेड कॉर्ड एंड टेंजेंट, ठीक है, इंटरसेक्ट एक्सटर्नली अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड, सेगमेंट माने पी ए मल्टीप्लाई ए बी, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये जो टेंजेंट दे रहा है इसका लेंथ के स्क्वायर के इक्वल होगा, मतलब दिस इंटू दिस कॉर्ड का इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दो सेगमेंट है पी बी के, पी ए और एक सेगमेंट हो गया ए बी, तो इसका लेंथ टेंजेंट के लेंथ के इक्वल होगा, तो पी टी स्क्वायर। तो पी ए का वैल्यू एक्स है और यहाँ पे 3 है, ये 12 का स्क्वायर, 12 × 12, तो एक्स का वैल्यू निकालना होगा, तो 12 × 12 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 4, तो ये हो गया 48 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिक वही था कि कॉर्ड और टेंजेंट जब भी इंटरसेक्ट करते हैं तो कॉर्ड का जो सेगमेंट है, दो हिस्सा है, उसका मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ज्योमेट्री में इस टाइप के सम आते हैं और ये पता रहेगा तो इजीली सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।